We are also now joined by the Kashi Temple Mahant Kulpati Tiwari ji, who shall share his insights on the Kashi Vishwanath Temple as it stands today. Mahant Kulpati Tiwari ji, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. हेलो. हाँ सर, अब मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ. सर, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठ का बड़ा एक त्यौहार 22 जनवरी को, इसी को मद्देनजर रखते हुए काशी विश्वनाथ और बाकी जो धार्मिक स्थल हैं हमारे देश में, उन पर एक तरह से जो अटेंशन है, जो लोग गौर फरमाने लग गए हैं, वो एक तरह से जो तादाद है उसकी, वो बढ़ गई है. उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, कहा कि यह हमारी सरकार जिनकी संवेदनशील है और कृषि धार्मिक है, कि जो आस्था पे जो है जो प्रहरी बैठा दिए हैं उनसे आपको सावधान रहना है. हमारे देश में जब जब कोई जो है आतंक होता है या कोई, उसके पहले सूचना कि सरकार को देना मेरा धर्म है. तो ये जो हमारा जो मानव धर्म है, धर्म हमारा कहता है धर्म की रक्षा के लिए हमको आगे आना है, हमें सतर्क रहना है, अपनी भावना आस्था को जागृत करना है. ताकि जब आदमी जागृत होता है, ये सरकार हमारी जो है इस समय जो चल रही है हिंदुत्व की, सनातन धर्म की, उसमें जो है धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपनी आवाज उठानी पड़ेगी. हर धर्म का महत्व है, अयोध्या का महत्व है, क्योंकि हर आदमी जो है अपनी अपनी जो है मजबूरी बता रहा है. क्योंकि मैं तो देखिए विश्वनाथ महंत हूँ, और इधर जो मेरे यहाँ जो गर्मी जब होता है तो 14 तारीख बाद होता है, इधर परिवार में वृद्धि लगी तो पहले तो योजना बनाया था, अब की 22 तारीख वो खत्म हो रहा है. अतः मैं जो है लोग पूछे, मैं धर्म में विश्वास करता हूँ, शिव शिव धर्म से राम है, राम से शिव है. अतः राम का जो नाम लेगा, जो शिव का नहीं नाम लेगा, वो क्या भूल है भक्ति भाव का. ये तीन देव हैं, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण. ये वैष्णो देवी रामा, ये सब मतलब नहीं, जात पात पीछे नहीं, कोई हरि के भजे हरि का. मैं हर धर्म को विश्वास करता हूँ, क्योंकि जो है भगवान शंकर क्या है, भगवान शंकर बहुत सहनशील है. जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, काशी तो हर चीज के लिए है. काशी में भगवान राम का जो नहीं नाम लेगा, वो कहा गया भोर भोर राम राम. भगवान शंकर में वो प्रेरणा जो रास्ता गलियों में जगानी होगी. हमारा जो समाज जो सो गया था, उसको तो अपने अधिकारों से जागरूक करना हुआ, अपनी रीत रिवाज कल्चर को जो हम नहीं भूल गए थे, उसकी रक्षा तो अपनी आवाज उठानी पड़ेगी. हम किसी का विरोध नहीं करते, अपने मन के अंदर देखिए, अगर आपकी आस्था श्रद्धा रहेगी तो आप जो है पूजे जाएंगे. आजकल अब जो है आस्था श्रद्धा जो आपकी जो है कुटिल भाई है या कोई अच्छी साहब है, आप सरकार के सामने रखिए, हर जगह खुला हुआ है. और सबसे बड़ा मीडिया, ये जो बिहार सरकार की मीडिया मोदी जी के समय में है, इसको आपको जो है जानकारी दीजिए कि मंदिरों की क्या परंपरा है, मंदिरों का क्या है और क्या सत्यता है. जो प्रारूप आपके पास है, मेरे पास सम है, प्रमाण है, लेकिन चूंकि वो जो डॉक्यूमेंट से जो हमारे यहाँ, जो कि 1673 से जब हमारे पूर्वज आए, तो उस समय से जो परंपराएं थी और पूरा सरद है, लेटर्स है, सब प्रमाण है. तो वजू खाने का, ज्ञान माफी का पीछे का सब प्रूफ है. लेकिन संजोग से कि समय वो था, इतर बितर हो गया है. लेकिन मैं इंडिया टीवी को मैं कल जो है मैं निकाल लूंगा, तो इंडिया टीवी के मिस्टर पंकज जी आए हैं, तो मैं से कहूंगा कि आके आप भैया ले जाइए. बहुत बहुत धन्यवाद. और पूरे राष्ट्र का कल्याण जो स्वयं होता है भगवान शंकर का, जो ये स्वयं आया है भगवान शंकर में होने वाली रीति रिवाज पूरी परंपरा को रक्षा अगर करना है तो आप जो है बचिए. ये सरकार बहुत न्याय भी हमने देखा है, जब ये 1683 में जो है मंदिर का सर ये भी माना जाता है कि ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जिनको लेकर ऐतिहासिक अन्याय हुआ है. मुगल आए, मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाई. आपको लगता है इस पूरी एक घटनाक्रम को लेकर एक सर्वे होना चाहिए, एक फेरिस निकलनी चाहिए और अयोध्या और काशी की तरह ही इन पर काम होना चाहिए? बिल्कुल, सर्वे हो चुका है. असल में हमारे पास प्राण जो है बटे हुए हैं, तो हमको एकत्रित होना, संगठन में
देखिए कुछ ही पे बैर है, भगवान शंकर ने कहा सब पे धर्म पे विश्वास करो, है आपको सुखी आ जाती है, लेकिन धर्म को जागृत करो। जो हमारी जो धर्म जो कहता है सर्व धर्म सनातन धर्म आदि अनाधिकार का है, उसके अंदर सभी धर्मों का सम्मान है, सब पे जागृति लाओ, शांति सद्भाव बरतो और तुम विश्वास करो। जो मंदिरों को कब्जा करके जो है मस्जिद पर दिया है या मस्जिद को वजू खड़ा या वो अपमान करते हैं, तो आपने देखा कि इतने साल जो किए हैं, मेरे पास तमाम प्रमाण, 1934 का जो ये फैसला है वो है, तो और जो मैंने आपको दिया था जो आप दिखा रहे थे सनक, वो आप देखिए पूरा एकत्रित हुआ। और इस समय चूंकि ठंडा का मौसम है और मैं सबको, ये मेरे पूर्वज थे जिन्होंने जो पूरा बनाया था, अहिल्याबाई होलकर का अलग योगदान है, हमारे पूर्वज का अलग योगदान है, सबके योगदान का से बनता है। ये मत कहे कि हमारा हर व्यक्ति को सराहिए, हर व्यक्ति को पूजिए, अगर मुगल काल में भी कुछ योगदान किया तो उसको भी पूछिए, सही जानकारी दीजिए। आप नफरत मत फैलाए कि उससे गिरा, कहा कि नफरत घृणा मिला दिए, आपको बहुत बड़ा माहौल मिला है, आप जागरूक होइए। ताकि जब जब हो धर्म का हानि बाढ़े असुर अथम अज्ञान, तो ये सरकार बहुत अच्छी है। मैं अपने अधिकार को चाहता हूँ, जो 83 से विश्वनाथ मंदिर की परंपरा रूढ़ी प्रथा, ये महंत आवाज है, यहाँ माँ पार्वती रहती है, ये सुरक्षित हो, यहाँ की परंपराएं चलती है, इसको रह उसकी जरूरत है। ये 20 जनवरी से मैं यहाँ आया हूँ, कब से मैं यहाँ हूँ जी, स्वास्थ्य जानते हैं, स्वास्थ्य रखना है, स्वास्थ्य जानते हैं वही रहता है जो तब का जी। सर आपने समय निकाला हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.